हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे गाइस। जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, उनको 31 अगस्त से कॉलेज में जाके, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होगा और वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, चाहे तो लिख सकते हो। आपको पहले बता दूंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स के जो 3 फोटोकॉपी आपको रखना है, 3 सेट्स रखना है, ठीक है? 3 सेट्स आपको पहले से पिन करके रख लेना, और उसमें सब सेल्फ अटेस्टेड, मतलब नीचे जो फोटोकॉपी है उसमें नीचे साइन करके रखना आप, फोटो जो फोटोकॉपी है आपके, ठीक है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको जो नेट में एडमिट कार्ड वो रखना है, नेट का एडमिट कार्ड, देन आप रैंक लेटर जो है, और उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर लो आप। अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए वहाँ पे, है ना? और नेक्स्ट है नेट मार्कशीट, और उसके बाद 10th मार्कशीट, 11th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ये तीनों ओरिजिनल चाहिए। तो मैं क्या बताया आपको, ओरिजिनल के साथ साथ 3 सेट फोटोकॉपी वो रख लेना आप। उसके बाद आधार कार्ड ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी भी रखना है उसको आपको, MP एडमिशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो EWS, OBC, ST, SC, और साथ में जो GS सर्टिफिकेट है तो उनको भी GS सर्टिफिकेट ले जाना है। और GS सर्टिफिकेट के साथ साथ और क्या ले जाना है वो ध्यान से आप सुनना, मैं लास्ट में बताऊँगा GS सर्टिफिकेट वालों के लिए अलग से, ठीक है? और इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, और जनरल कैटेगरी वाले जो मेधावी स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं या कोई स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं उनके लिए जरूरी नहीं होता, बाकी सबके लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होता है। और उसके बाद आप बात आते हैं जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनता है वो आपको ले जाना पड़ेगा। जो NRI कोटा या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनके लिए जो NRI कोटा सर्टिफिकेट होता है वो, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको 12th के बाद कॉलेज स्कूल से मिलता है वो, या उसके बाद TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, देन सीट लिविंग बॉन्ड। तो ये सीट में बहुत सारे लोगों को डाउट्स आते हैं कि सर सीट लिविंग बॉन्ड अभी बनवा के जाए क्या? नहीं, अब कॉलेज में सारी व्यवस्था है, वहाँ पे आसानी से आप बना लेना, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में सीट लिविंग बॉन्ड वहीं बन जाएंगे। देन रूरल सर्विस बॉन्ड, यह भी 500 रुपये के स्टैम्प पेपर में वही आपको बनाना पड़ेगा, दोनों 500 रुपये के स्टैम्प पेपर में बनाना है, तो वही कॉलेज में व्यवस्था है। उसके बाद देन जो एफिडेविट आपने बनाया था 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में, जो प्रोफार्मा 7 में जो लिखा हुआ था वो जो आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो भी ओरिजिनल आपको ले जाना है उधर, वो भी, और फोटोकॉपी भी कर लेना उसकी, ठीक है? नेक्स्ट आता है वचन पत्र। तो बोलेंगे सर वचन पत्र क्या है, तो जो प्रोफार्मा 9 है, प्रोफार्मा 9 में जो कुछ लिखा है वो उसका एक वचन पत्र बनेगा, वो आपको वहाँ पर सबमिट करना है ना? तो या तो आप वहीं से फोटोकॉपी करवा सकते हो या यहाँ से करवा के ले जा सकते हो। नेक्स्ट आती है गैप सर्टिफिकेट, तो जो लोग गैप लिए हैं 1 साल 2 साल उनके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है, तो गैप सर्टिफिकेट भी आप वहीं पे बनवा सकते हो, कॉलेज में ही बन जाता है, ठीक है? अगर आप घर से नहीं बनवाए तो कोई इशू नहीं है, आप वहीं से बनवा लो। नेक्स्ट फोटोज़, जो नेट एडमिट कार्ड में जो भी फोटो है आपके, सेम फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 20 फोटो आप ले बनवा के ले जाओ। अभी कुछ कुछ कॉलेज में 20 मांग लेते, कुछ में 10 मांगते, कुछ में 30 भी मांग लेते हैं, तो एटलीस्ट 20 फोटोज़ आप ले जाओ। और कुछ कुछ कॉलेज में क्या करते हैं, इनवेलप मांगते हैं। इनवेलप मतलब आपको पता होना चाहिए जो डाक होता है ना पोस्ट ऑफिस, उसमें जो एक इनवेलप होता है तो जिसमें आप चिट्ठी वगैरह भेज सकते हो, वो इनवेलप में मांगते हैं कुछ कॉलेज में, तो कॉलेज में अवेलेबल होता है, अगर आप ले सकते हो ले जाना, नहीं तो कोई इशू नहीं, कॉलेज में अवेलेबल होता है। उसके बाद अब मैंने बताया था GS सर्टिफिकेट वालों के लिए अलग से, तो ये नोटिस है DME साइट पे, तो GS सर्टिफिकेट वालों के लिए मैं बताऊँ कि GS सर्टिफिकेट जो है वो तो आपके साथ में लेके जाना ही है, और साथ में एक्स्ट्रा जो 6वीं से 12वीं तक जो अंक सूची है, मार्कशीट है, वो मार्कशीट आपको ले जाना है, जो मेन मार्कशीट है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है अभी, तो उस जो गवर्नमेंट स्कूल जो प्राचार्य है, जो प्रिंसिपल है, उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, वो जो प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है कि हाँ ये बंदा इस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है सर, ये आपको जो प्रिंसिपल है वो लिख के देंगे, है ना? और जो लोग पहले से लेके 8वीं तक RTA के अंदर प्राइवेट कॉलेज में पढ़े हैं, उसके बाद 9वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो उनके लिए भी ये मान्य होता है, लेकिन उनको भी जो प्राइवेट कॉलेज है उनके जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र होगा, वो भी आपको ले जाना पड़ेगा, वो प्रमाण पत्र जारी करवा के साथ में ये ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना आप, ठीक है? तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, जो अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।